इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इन पर आगे पाकिस्तान ही है पूरा, मॉस्को वैली में इससे आगे। जब विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे ना, जो अपने कंधे पे विक्रम बत्रा को ना ऊपर से नीचे लाए थे, इसी रास्ते से ना विक्रम बत्रा टाइगर हिल की पहाड़ पर चढ़ गए थे। वो उधर गिरता था गोला, वो सीधे इधर आके घरों में छेद करते होंगे। आज से 5 साल पहले भी उनका किसी का हाथ मिलता था, किसी का पैर मिलता था। 5 साल पहले इंडियन आर्मी तैनात थी इन सारी पोस्टों पे, और इधर ना पाकिस्तान आर्मी तैनात थी, इसलिए 2.5 लाख बम बरसाए और पाकिस्तान की आर्मी को उसकी औकात दिखा। और पाकिस्तान के इतना पास में घर में ना चाय पानी का मजा ले रहे हैं इतने छोटे छोटे बच्चे घास लेके। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वाले ब्लॉग में। तो भैया जी, आज तुम्हारे रोहित पहाड़ी है भैया कारगिल के द्रास गांव में, और ये भैया द्रास गांव के सारे पहाड़ हैं चारों तरफ, और इन पहाड़ों का ना भाई बहुत महत्व है हमारे देश में, क्योंकि भैया ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने जो पहाड़ है ना, इस पर पाकिस्तान की आर्मी ने आकर ना पूरे द्रास गांव पे कब्जा कर लिया था। और सामने आपको जो पीक दिखाई दे रहा है मेरी उंगली के सामने, बिल्कुल देखो, वो आपका टाइगर हिल है। टाइगर हिल के बारे में अगर आपको बताऊँ ना, वहाँ पे भैया आपके कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी मूवी आई थी अभी शेर शाह नाम से, उस मूवी के जो हीरो थे ना विक्रम बत्रा, उसी टाइगर हिल को फतेह करते करते ना वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। वो है सामने आपका टाइगर हिल टॉप। तो भैया आज मैं आपको ना द्रास गांव से लेके जाने वाला हूँ भैया मॉस्को वैली की तरफ। मॉस्को वैली एक ऐसी जगह है जिसकी आड़ में ना पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर मतलब पीठ में खंजर घूमने वाला काम किया था, क्योंकि भैया एक टाइम पहले ना शिमला समझौता जब हुआ था ना, शिमला समझौता में ये बात फिक्स हुई थी कि भैया जब सर्दियों का समय आएगा ना, उस समय दोनों ही भैया देश की आर्मी अपनी आर्मी को ना उस हिमालय के उस पीक से, उन पहाड़ों से ना अपने पोस्टों से हटा देगी। लेकिन भैया इंडिया जो एक देश है ना, वो अमन पसंद देश है, आपको पता है, उसने अपनी सारी आर्मी को बर्फ की उस चट्टानों से, ग्लेशियर से ना वापस बुला लिया। लेकिन इसी की आड़ का फायदा उठाते हुए भाई साहब पाकिस्तान आर्मी को ये लगा कि यार इस समय इंडिया की आर्मी भैया उसमें ग्लेशियर में नहीं होगी, और हम लोग क्या कहते हैं इंडिया से कश्मीर में भैया कब्जा करेंगे। तो उन्होंने भैया एक रणनीति बनाई, और मॉस्को वैली जो आपकी है ना, जहां मैं आपको लेके जाने वाला हूं, वहां खुद पाकिस्तान के चीफ कमांडर आपके परवेज मुशर्रफ खुद वहां आए, अपने आतंकियों को मतलब पूरी में ट्रेनिंग दी किस तरीके से उनको क्या कहते हैं मॉस्को वैली के माध्यम से द्रास जाना है, कारगिल जाना है, सारे हिल को कैप्चर करना है। पाकिस्तान की नीयत खराब है ना, वो कहते हैं ना कुत्ते के मुंह में रोटी दिखती है, पानी में तो वो मुंह खोलता है, वही हाल रहा पाकिस्तान का। और उसने इस मॉस्को वैली में आके अपने सारे आतंकियों को ट्रेन करके ना पूरे द्रास और कारगिल के ऊपर ना अपनी आर्मी फैला दी। जब तक इंडियन आर्मी को अलर्ट का पता चला, तब तक उनकी मतलब हजारों की तादाद में यहाँ आर्मी आ गई थी, और उसने यहाँ तबाही का मंजर शुरू कर दिया था। तो आज मैं आपको उसी मॉस्को वैली में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ मॉस्को वैली से ही ना भाई आपका टाइगर हिल का रास्ता है, जहाँ विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। तो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं सीधे मॉस्को वैली की तरफ, ठीक है। तो भैया यार, मैं ना अभी आपका कहते अपनी मॉस्को वैली की तरफ निकल रहा था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरी गाड़ी का ना पूरा इंजन ऑयल जल गया, देखो ये देखो आप। तो अभी ना एक इंजन ऑयल का डब्बा लेके आया, और फिर उसके बाद जाके भाई पूरा इंजन ऑयल चेंज किया गाड़ी का। पता नहीं यार अभी और कितने सारे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन देखनी है मुझे। तो भैया जी, हम लोग ना आपका पहुंच गए मॉस्को वैली वाले रास्ते पे, और द्रास से ना मात्र 2 या 4 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको ये मॉस्को वैली का एक बोर्ड मिलेगा, और मॉस्को वैली की तरफ निकलते हैं। मॉस्को वैली के गेट से 1 किलोमीटर अंदर भी नहीं आए हैं, और भाई ओए होए क्या अल्टीमेट यार, यार घर तो भाई ऐसे ही बनाने चाहिए यार। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा जगह है जहाँ पर इंसान रहते हैं आपका द्रास। अगर बिनोमो ट्रेडिंग एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है आपके डेली स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, इट हैज ओवर 2 मिलियन सक्सेसफुल ट्रेडर इन इंडिया। तो सिंपली बस फोरकास्ट करो कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 350 रुपए इन्वेस्ट करके ये फोरकास्ट करता हूँ कि ग्राफ ऊपर जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ना फोरकास्ट बिल्कुल एकदम सही था, एंड गाइस आई अर्न ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस, इसमें आपको ढेर सारे एसेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो, और सिर्फ 350 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती और ट्रेडिंग सीखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अगर आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो आपको 65,000 रुपए का आपको डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हो। गाइस, अगर स्क्रीन पे दिखाए गए प्रोमो कोड का यूज करके अपने रियल अकाउंट में आप मनी डिपॉजिट करते हो, तो आपको उसका डबल मिलेगा, जैसे कि 500 का। तो गाइस, जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसको बड़ा इजीली अपने बैंक अकाउंट या फिर आप पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो, वो भी गाइस विद इन 24 आवर्स। सो गाइस, बिनोमो के बारे में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, तो एक डाउनलोड तो बनता है यार। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, गो डाउनलोड बिनोमो। आर यू बिनोमिस्ट? जॉइन नाउ। अगर आपको यकीन ना आए तो आप इंटरनेट पे जाकर चेक कर सकते हैं।
तो भाई मैं ना द्रास से कम 2-3 किलोमीटर पर आया और ये है आपका पूरा द्रास का गांव। और ये जो आपको पूरी हिल दिखाई दे रहा है ये टोलोलिंग नाम का हिल है, ये पूरा पाकिस्तान ने कैप्चर कर दिया था। इसके ऊपर ना हमारे जो आपका एक कालिया थे, सौरभ कालिया थे क्या नाम था उनका, उनको मार भी दिया गया था इस पहाड़ के ऊपर। उसके बाद भाई साहब यहाँ से ना पूरे 100 तोप लगा के पूरे टोलोलिंग को ना पूरा छल्ली छल्ली कर दिया, जहाँ पे मतलब आपका कारगिल वॉर मेमोरियल से इधर पूरे द्रास तक ना पूरे 100 तोप लगाई थी और बैक टू बैक 1 लाख फायर करी थी। इसलिए जी मैं ना अब धीरे धीरे निकल गया हूँ आपका टाइगर हिल की तरफ जा रहा हूँ। और सामने ना ये जो पहाड़ आ रहे हैं ना भाई साहब, यहाँ पर ना हमारे कितने जवान शहीद हुए थे मैं आपको क्या बताऊँ। और ये रास्ता ना सीधे जा रहा है भैया विक्रम बत्रा वाले टॉप की तरफ। हम पहुँच गए आपका टाइगर हिल से पहले मुरादाबाद नाम के इस गाँव में। इधर ना मुस्को वैली साइड पहुंचा था ना, इधर एक गाड़ी शायद फंसी हुई है, धक्का वक्का मार रहे हैं शायद, जाके चेक करके आते हैं। चलो इनका भी काम हो गया। चलो यार अगले लोग की गाड़ी हमने निकाल ही दी है और अब हम निकल रहे हैं भैया मुस्को वैली के गांव की तरफ। ये मुस्को गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ के ना सब लोग भैया अपने गाय भैंसों के लिए भोजन लेके जा रहे हैं, मतलब चारा लेकर जा रहे हैं। और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे भी घास लेकर आ रहे हैं। हाय 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 कैसे हो, बढ़िया। इतने छोटे छोटे बच्चे घास लेके, ये रोज लाती घास है आज पहली बार ला रही है? अच्छा आज पहली बार लेके आ रही है, शौक शौक में ला रही है चुटकी। तो ये आंटी जी बता रही है कि मतलब ये पहली बार मतलब शौक हो रहा है लाने का, उसको शौक मतलब खुशी हो रही लाने की। रस्सी लेकर जाता है। इस गांव का नाम क्या है? मुस्को। गांव का नाम मुस्को वैली है। अच्छा ओके चलते हैं, राम राम। ठीक है ये मुस्को गांव के लोग थे, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे यार। और घर ना काफी पुराने पुराने से घर लग रहे हैं, मिट्टी की छतें हैं, लकड़ी की छतें हैं यहाँ पे। ये गाँव कितना आगे तक है? हाय मुस्को वैली है। हमको जाना है मतलब टाइगर हिल के नीचे जो जहाँ पे तक जा सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता। कलकत्ता वालों को भैया नमस्कार। तो भैया मैं आपका मुस्को गांव की तरफ जा रहा था ना, तो इधर कुछ कलकत्ता के लोग मिले और आर्मी वालों से ना कंफर्म कर रहे हैं कि यार जो वॉर की जो पोजीशन थी ना, जहाँ जहाँ पे वॉर हुआ था, जहाँ पे जो दिक्कतें हुई थी, वो सब कुछ देखने को अगर मिले तो ना थोड़ा अच्छा लगेगा कि आखिर कहाँ पे वो मोर्टार गिरते थे, कहाँ से वो मोर्टार बरसते थे हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर। इनके बाप दादा जो हैं उन दिनों पोर्टर के काम करते थे फॉर द इंडियन आर्मी। और हाँ पहले तो ये लोग यहीं पे हावी हो गया था। अच्छा ये सारा पहाड़ जो देख रहे हैं, अच्छा इस पहाड़ों पे ए, मोटर का गोला बरस रहे थे। किस साइड से? किस साइड से? उस साइड से। अच्छा उस साइड से। हमारे आर्मी यहाँ पे नहीं था, इन लोगों ने खबर दिया तो हमारा आदमी आर्मी लोग भी आया साथ में, इनके जो बाप दादा थे ये पोर्टर के काम करते थे। और आज से 5 साल पहले भी उनका किसी का हाथ मिलता था, किसी का पैर मिलता था। 5 साल पहले तक मिलता था। तो आप तो जब पाकिस्तान के वो गिरते थे, मतलब जो मोटा रोटा गिरते थे, तो घर वो भी गिरते होंगे लोगों के? गिरे तो इनको तो इनको तो सर मान लो सर ये मकान है, ये हमने नया बनाया है, उससे पे पुराना जो मकान था उसमें पूरे शेल आके लगे हुए थे, पूरे सुराख थे, सुराख थे, शेल आते थे सीधे इधर। अच्छा उधर जो इंडियन आर्मी मारती थी वो इधर को आते थे? वो उधर गिरता था गोला, उसके बाद उसके जो शेल होते हैं ना छोटे छोटे, वो सीधे इधर आके घरों में छेद करते होंगे। छेद करते थे। ये हमने नया। तो फिर यहाँ पे तो मतलब जो यहाँ लोकल लोग रहते होंगे उनका तो घर से निकलना बिल्कुल बदहाल हो गया होगा। बहुत मुश्किल था, बहुत प्रॉब्लम था। इन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर ले गए, फिर उसके बाद इधर से माइग्रेंट किया गया, गवर्नमेंट ने माइग्रेंट किया इधर से लेके करगिल लिया जहाँ पर ये। तो ये तो वो वाली बात हो गई, मतलब मौत को करीब से देखना वाला, करीब मतलब आपको पता भी नहीं होगी किस सेकंड आप मरने वाले होते थे। खिड़की से बराबर दिखता था, इधर से लाइट होता था पूरा आसमानों में, रात को गोले आते थे, गोले बिल्कुल आवाज। तो जो विक्रम बत्रा जब इधर आए थे, विक्रम बत्रा ऊपर हिल है, तो इसी रास्ते गए होंगे यहाँ से? हाँ यहीं से गए। तो यहाँ भी रुके थे? यहाँ रुके हैं ना सर, हर कोई रुका। ये अच्छा। तो मेन पॉइंट था, यहाँ पर जो होना था वो सब कुछ इधर ही हुआ था। अच्छा जो कुछ होना था ये मुस्को वैली में हुआ था। अभी भी ये जो हमारा इधर गांव है, इधर पूरा एमिशन इधर ला के रखा, डम करते थे। अच्छा। उसके बाद इधर से आगे पोर्टर हमारी ऊपर शिफ्ट करते थे। ये हमारा एक इधर से नाला है, वो नाला जाएगा बराबर ऊपर टाइगर हिल। अच्छा टाइगर हिल वहाँ पर ऊपर जहाँ पर विक्रम बत्रा इधर ये किया था। हाँ। हम लोग तो ना ये अभी हमारे लिए तो ये खाली एक 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 वीडियो बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है, मेमोरी बन रहा है। बट कहते हैं जब यहाँ पे ये हुआ होगा तो
भाई साहब बहुत मतलब एक अलग ही लेवल का ना, मतलब कि मतलब आदमी को पता भी नहीं कि मतलब जैसे आईसीयू होता ना आदमी वेंटिलेटर पे कि बचेगा या मरेगा पता नहीं, सेम वो वाली कंडीशन होगी कि कब किसका गोला आके गिरेगा पता ही नहीं था। ये जो पिक्चर में आप देखते हो वो सारा देखते हो कहानी कुछ अलग होता है उसमें, आप यकीन मानो सिविलियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा। हाँ वो तो गोली नहीं चलाता है, वो मोटर भले नहीं चलाता लेकिन इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन से लेकर हाँ हेल्प करने में वो वही रास्ता दिखाते हैं। तो ये हमने आपका मॉस्को वैली में घर पे आए हैं और यहाँ पे ना भाई साहब ने हमें चाय के लिए ऑफर किया और भाई साहब ने बताया कि यार जब ना यहाँ पे गोले गिरते थे ना, और मतलब ये एक्चुअल गवाह है उस चीज के, क्योंकि वरना न्यूज में तो ना आपको सिर्फ डिबेट सुनने को मिलेगी, जिसने ना वो सब एकदम करीब से देखा है। तो हम उनके घर पे आके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने चाय के लिए ऑफर किया, पहले ठंडा ठंडा पानी पियेंगे फिर जाके एक बड़े चाय पियेंगे। और यहाँ से ना मात्र आपका मेरे ख्याल से 6 से 7 किलोमीटर बाद बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका पाकिस्तान चालू उधर नीचे, और पाकिस्तान के इतना पास में घर में ना अपन चाय पानी का मजा ले रहे हैं भैया, और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी यार। बिना में आप बैठे थे तो भाई साहब बोल रहे हैं कि जिसने ना उस टाइम पे आपका आर्मी के साथ मतलब पहाड़ पे चढ़ के हेल्प करी थी ना सामान के साथ, उसमें से भी अभी कुछ व्यक्ति यहाँ पे हैं, तो भाई ने उनको फ़ोन किया है, शायद अभी वो आ जाएंगे तो आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, तब वो ना पूरा हाल बता पाएंगे आर्मी का और उस वॉर का, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अब लाइव देखा है अपनी आंखों के सामने। तो भाई साहब अभी ना मेरी मॉस्को वैली वाले गांव में एंट्री हुई थी और मैंने आपको दिखाया वो घर जहां पे ना मोटार वोटार गिरे थे, और उस लड़के से दिखाया जो बता रहा था कि मेरे पापा ना सारा सामान लेके आर्मी के साथ ऊपर तक जाते थे और इधर ना पूरे गोले गिरते थे। तो अब एक काम करते हैं, यहां से ना आगे चलते हैं जो लास्ट पॉइंट है ना, जिसके बाद कहते हैं इंडियन आर्मी ही जाती है, उसके बाद आगे पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है। तो आपको इस मॉस्को वैली से डायरेक्ट लेके चलता हूं मैं सीधे अपने लास्ट आर्मी पॉइंट चेक पॉइंट पे, वहां से आपको दिखाऊंगा कि विक्रम बत्रा किस रास्ते से गए थे भैया टाइगर हिल की तरफ। ठीक चल रहे मॉस्को वैली में आगे की तरफ भाई, तो जिसने भी ना भैया इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वाले विलेज, इस बार ना मेरे को लग रहा है कि ये सीरीज का पूरा नाम ना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विलेज रख देना चाहिए, क्योंकि मैं जब से लद्दाख की तरफ चल रहा हूं ना मैं आपका बॉर्डर विलेज घूम रहा हूं, और भाई ये गांव सारे ना बस ये घर ना जब कहते वो वॉर छिड़ गया था ना, ये घर आपको आज इतने खूबसूरत खूबसूरत घर दिखाई दे रहे ना, उस टाइम पर सब पता है ये सब तबाह हो चुका था, सिर्फ बंकरों में लोग अपनी रातें गुजारते थे। चलो भैया अभी निकलते हैं फटाफट से उस लास्ट LOC पॉइंट की तरफ, जहां से भैया पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कारगिल युद्ध की शुरुआत करी थी। तो भैया जी हम पहुंच गए हैं भैया देखो इंडिया पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर मॉस्को वैली की तरफ, और ये है भैया मॉस्को वैली के नज़ारे, और भैया सामने आपको हिल दिख रहे हैं, यहाँ पे ना भैया हमारी इंडियन आर्मी की भैया पूरी मतलब पूरी पलटन पहाड़ों पर चढ़ गई थी भैया, और इसके आगे पता नहीं एंट्री होगी या नहीं होगी मुझे पता नहीं है। सर आगे एंट्री नहीं होगा मॉस्को वैली में, इससे आगे जाते ना तो यहाँ से घूमना पड़ेगा रिटर्न, यहाँ बॉर्डर खत्म पूरा। नमस्कार जी, बस घूमने आए थे मॉस्को वैली घूमने आए थे, इससे आगे एंट्री नहीं है सर, बाइक की नहीं है पैदल भी नहीं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आसपास ऐसे पुराने बंकर टाइप के दिखेंगे जो पहले वॉर के टाइम के, वो ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिए सर। अच्छा इसके बाद आगे कहते हैं कितना आगे होता है बॉर्डर यहाँ से, अच्छा इसके अंदर हम लोग पैदल भी नहीं जाते आर पार। तो जो वो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था वो किन पहाड़ों पर हुआ था, इन पहाड़ पाकिस्तान इससे आगे पाकिस्तान ही है पूरा 5-6 किलोमीटर आगे किलवेस तक। अच्छा बत्रा टॉप जो जहाँ वो शहीद हुए थे ऊपर पहाड़ी, तो यहाँ से टाइगर हिल दिखता नहीं है ना, इसके आगे दिखता होगा और पीछे दिख रहा था। हाँ हाँ ऊपर है वो ब्लैक और व्हाइट वो दिख रहे हैं ऊपर। चलिए सर तो यहाँ से आगे एंट्री नहीं होती फिर, ओके जय हिंद बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी अगले साल दोबारा घूम जाएंगे। ओके सर जय हिंद भारत माता की जय। चलो ओहो मतलब यहाँ से आगे एंट्री नहीं है भैया, तो भैया हमको यहाँ से घुमा दिया है डायरेक्ट पीछे की तरफ, क्योंकि ओके सर जय हिंद कोई दिक्कत नहीं, हमने ये जगह भी देख ली हमारा सौभाग्य है। ओके सर जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो भैया जी हम लोग आपका रिटर्न आ गए हैं, और इसके बाद ना आगे 4-5 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान है, इसलिए यहाँ से ना पूरी मुस्तैदी कर दी है कि आम आदमी को भी जाने नहीं देंगे, और ये पूरा एरिया जहाँ आप देख रहे हो ना यहाँ पर भैया पाकिस्तान और इंडिया आर्मी की तगड़ी वाली जंग हुई थी, इधर से पाकिस्तान की आर्मी गोले और इधर से आपका हिंदुस्तान की आर्मी गोले। तो भैया जी तुम्हारे रोहित पहाड़ी ना पहुंच गए हैं भैया उस जोन पे जहां से भैया विक्रम बत्रा और उनकी बटालियन ना पूरा टाइगर हिल टॉप की तरफ गई थी,
ये आपको जो दिखाई दे रहा है पीछे, इसी रास्ते भैया आगे आपका टाइगर हिल पड़ता है, बत्रा टॉप पड़ता है, जहाँ पे बत्रा जी शहीद हुए थे, हमारे आर्मी के जवान और उनकी पूरी बटालियन यहाँ से टाइगर हिल को पूरा कैप्चर कर लिया था। इधर से ना आपका इंडियन आर्मी फायरिंग कर रही थी और इस साइड से ना आपका पाकिस्तान आर्मी फायरिंग कर रही थी। तो आप देख लो, मुश्किल से मुश्किल आपका 500 मीटर की रेंज भी नहीं है जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान की फाइट चल रही थी। विक्रम बत्रा जी अपनी पूरी बटालियन को लेकर टाइगर हिल के ऊपर गए। मैं अगर आपको बताऊँ ना, इसी रास्ते से ना विक्रम बत्रा अपनी पूरी बटालियन को लेके ना टाइगर हिल के पहाड़ पर चढ़ गए थे। और सामने आपका टाइगर हिल के पहाड़ इसके पीछे हैं। पहले आपका बत्रा टॉप आएगा, उसके बाद आपका टाइगर हिल टॉप आएगा। जो आपको वो एक फोटो आप देखते हो 5-6 जवान झंडे को लेकर खींच कर करते हैं, वो टाइगर हिल टॉप है। और इसी रास्ते भैया विक्रम बत्रा जी पाकिस्तान को मतलब उसके औकात दिखाने के लिए यहाँ से गए थे। मैं ना आपको उस रास्ते पर लेके आ गया हूँ जहाँ से ना हमारी आर्मी ना टाइगर हिल की तरफ चढ़ी थी। लेकिन भाई जब चढ़ने की बारी आई थी ना टाइगर हिल पे, तो रास्ते देखो कैसे बनाए हैं आर्मी ने अपनी पेट्रोलिंग के लिए। आज भी आपको ये ऐसे रास्ते दिखाई देंगे। देखो है ना, अगर इस बार द्रास में और कारगिल में ना इतना धीरे धीरे नहीं घूमता ना, तो मैं ये सब चीज़ें कभी घूम नहीं पाता यार, कि हमारे आर्मी के जवान कितनी मेहनत करते हैं। देखो इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े बोल्डरों के बीच में से रास्ता बना रखा, आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ता है देखो इस तरीके से। और ये रास्ता ना आपका टाइगर हिल की तरफ जाता है, विक्रम बत्रा टॉप पे आता है जहाँ पे विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। और ये रास्ता ना आपका टाइगर हिल की तरफ जाता है, विक्रम बत्रा टॉप पे आता है जहाँ पे विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। तो यार आज ना मैं आपका कारगिल में ना टाइगर हिल जहाँ पे विक्रम बत्रा शहीद हुए वहाँ जाने के लिए वो रास्ता भी आपको दिखा दिया है, लेकिन ना ऊपर जाना अलाउड है नहीं, इसलिए मैंने आपको नीचे नीचे दिखाया कि आखिर आर्मी जाती किस रास्ते से थी यार। तो इधर देखो, इधर इंडियन आर्मी तैनात थी इन सारी पोस्टों पे, वहाँ से गोलाबारी कर रही थी। और इधर ना पाकिस्तान आर्मी तैनात थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने पूरी 100 तोपों से ना 2.5 लाख बम बरसाए इन पहाड़ों के ऊपर, और पाकिस्तान की आर्मी को उसकी औकात दिखा के वहाँ से पीछे फेंका। और यहाँ के गाँव के लोगों ने ना बहुत हेल्प करी थी इन सारे मैटर में ना, उनका सामान छुड़वाना, उनका खाना पीना, राशन, घोड़े, सब कुछ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस गांव के भी जो उस जंग में शहीद हो गए थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विक्रम बत्रा के साथ ना टाइगर हिल की चढ़ाई करी थी। और जब विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे ना, वो कौन कौन लोग हैं जो अपने कंधे पे विक्रम बत्रा को ना ऊपर से नीचे लाए थे, गांव वालों ने बहुत मदद करी थी। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को ना यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद चलते सीधे मॉस्को वैली के गांव में और आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो विक्रम बत्रा के साथ टाइगर हिल तक चढ़े और पाकिस्तान की इस जंग में 15-15, 20-20 दिन तक भूखे रहे। और जब विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे बत्रा टॉप पर, उनको लेके फिर वो उनका पार्थिव शरीर लेके ना नीचे आए। तो एक काम करते हैं, चलते हैं सीधे मॉस्को वैली के गांव के अंदर और मिलते हैं उन सारे शख्स से जो उस समय 1999 की इस वॉर में ना, भारत पाकिस्तान कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी पाकिस्तान से। तो ये इस कारगिल और मॉस्को वैली के इस नज़ारे से आप सभी लोगों से बाय बाय करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जगह में आके ही पता चलता है भाई कि हमारी आर्मी ने ना कैसे कैसे वो दिन देखे होंगे, कैसे कैसे वो पाकिस्तान ने ना जो खंजर घोपा हमारी पीठ पर, क्योंकि जो समझौता हुआ था शिमला समझौता, उस समझौते के अंदर ये कहा गया था कि भैया सर्दियों के समय पे सारी आर्मियां अपने हिल वाले जो ग्लेशियर वाले चेक पोस्ट हैं वो सब छोड़ देगी और नीचे चली जाएगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, आर्मी वालों को दिक्कत ना हो। लेकिन भैया भारत ने तो उस पर पूरा पूरा अमल किया, बढ़िया तरीके से अपनी सारी आर्मी को ग्लेशियर से नीचे उतार दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो मुशर्रफ थे ना, उनके अंदर तो भैया जो कुत्ता बना था ना, उस कुत्ते बने के चलते उन्होंने सोचा कि यार इस रास्ते इस समय शिमला समझौता कर रखा है आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने, और एक काम करते हैं शिमला समझौता के चलते सारी आर्मी चेक पोस्ट से हट गई होगी, हम चलते हैं यहाँ से ग्लेशियर के रास्ते, क्योंकि आर्मी तो कोई होगी नहीं, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से कारगिल और जम्मू कश्मीर को पूरा कैप्चर कर लेंगे और वहाँ आतंकवाद कर देंगे और उन सारे एरिया को जब्त कर लेंगे। लेकिन भैया इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है, उस समय जब पाकिस्तान ने यहाँ पर कहते पूरा कब्जा करना चाहा तब 2 या 3 लोग यहाँ पर थे, मतलब अच्छी खास ज़्यादा बड़ी टुकड़ियाँ नहीं थी आर्मी की, बस कुछ पोस्टें थी। तो आर्मी उन पर पाकिस्तान आर्मी हावी होगी, लेकिन जब तक भैया जब जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान आर्मी इस सारी चोटी पर चढ़ गई है, उसके बाद इंडियन आर्मी की सारी जितनी सेनाएं हैं, नौसेना और वायुसेना और थल सेना तीनों एक्टिव हो गई। नौसेना ने आपका कराची की साइड पूरा घेर लिया और आपका वायुसेना ने यहां से गोले बरसाए आग के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और थल सेना जो विक्रम बत्रा और आपका सौरभ कालिया जो लोग शहीद हो गए थे इस जंग में, उन सब ने थल सेना के माध्यम से इस टाइगर हिल पर चढ़ाई करी और पाकिस्तान को मात दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रेरणादायक भी लगा होगा, क्योंकि यार मैं काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस लोकेशन में आके, क्योंकि यार यहाँ पे आना ना हर किसी का सपना होता है।
तो फिर मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में उन लोगों के साथ जिन्होंने विक्रम बत्रा के साथ इस टाइगर हिल में चढ़ाई करी थी। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।